इसका फुल फॉर्म, ये इमेजिनेशन या इस नाम के पीछे की स्टोरी क्या है, प्लीज एक बार शेयर। सो मेजरली लोगों को ऐसा लगता है कि मैं MBA किया होगा, 2 साल बिगाड़े होंगे और फिर नौकरी नहीं लगी तो चाय का ठेला डाल दिया और नाम MBA चाला रख दिया ताकि फेमस हो जाए। बट आई एम नॉट एन MBA टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड GMAT। तो मेरे सपने थे कि किसी बड़े कॉलेज से MBA करूंगा, पर वो MBA में जाने के लिए 2.5 साल पहले ही बिगड़ चुके थे और उसके बाद फिर 2 साल गए, मतलब 3-4 साल का आप MBA करो और फिर जाके आपकी जॉब लगे, ये मेरा कैलकुलेशन मैं उस समय करता था। तो मैंने MBA नहीं किया और मैंने मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करी 5 महीने एज अ वेटर की नौकरी करी, फिर मैं एज अ ट्रेनी बना, फिर मैं आगे ऑर्डरिंग में आ गया। तो फिर उसी टाइम में मैंने सोचा कि अपना खुद का कुछ चालू करते हैं। तो उस समय मेरी उम्र थी 20-21-22 साल के बच्चे होते हैं हमारे देश में, उनको पहले दिन से मालिक बनने का बहुत शौक होता है, अपने पिताजी से पैसे ले लेते और सेठ की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, 4 नौकर रख लेते, बोले तू ये कर तू वो कर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप 20-22-25-26 के हो तो खुद संघर्ष करो, खुद झाड़ू लगाओ। मैं बोलता हूँ कि अगर आप अपनी दुकान की झाड़ू नहीं लगा सकते हो, आप आपके धंधे में झाड़ू नहीं लगा सकते हो, तो आपको उसका मालिक बनने का हक नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये चीज मेरे को शुरू से अंडरस्टैंडिंग थी, तो मैंने कहा छोटा चालू करते था, स्टार्टेड अ चाय का ठेला विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 8000 और मैंने उसका नाम रखा मिस्टर बिल्लोरे। मेरा नाम है प्रफुल्ल बिल्लोरे, तो मिस्टर बिल्लोरे BILLORE बिल्लोरे स्पेलिंग है, तो लोग उसको बिल्लोरानी बोलते थे, बिलियनर चाय वाला बोलते थे और भी कुछ नाम मिला था, बिल्लोरी कांच, हमारे मैग्नीफाई ग्लास को हिंदी में बिल्लोरी कांच बोलते हैं। तो मैंने कहा लोग तो नाम बिगाड़ रहे हैं, तो मैंने मिस्टर बिल्लोरे के आगे अहमदाबाद लगा दिया, तो मिस्टर का एम बिल्लोरे का बी और अहमदाबाद का है, तो दैट्स हाउ इट बिकेम एन MBA चाय वाला। सो आई मेड माई ओन MBA एंड पीपल थिंक कि भाई MBA करके चाय बेच रहा था तो MBA करके वो हो गया, तो दैट्स अ मिसकंसेप्शन पीपल है। अच्छा बाय द वे किस किस को पता था ये बात?